बच्चों, हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं। जब ब्रिटिश रूल था उस समय की बात हम कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने महात्मा गांधी के व्यूज़ जाने थे और आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके व्यूज़ जो थे शिक्षा प्रणाली के उनके बारे में। टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस, टैगोर का शांति निकेतन, अवार्ड ऑफ पीस मतलब शांति का घर। Many of you may have heard of शांति निकेतन। Do you know why it was established and by whom? तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने शांति निकेतन का नाम सुना होगा, तो क्या आप जानते हो कि जी किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने स्थापित किया था और कब जी स्थापित हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंस्टीट्यूशन, एक संस्था की स्थापना की गई। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर बच्चे थे तब उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। उनको लगता था कि स्कूल जो है वहाँ दम घुटता है और दबाने वाला जो होता है कि व्यक्ति के जो विचार हैं या उसकी प्रतिभा है उसको दबाता है। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन। उनको स्कूल एक जेल की तरह लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग। तो उनको जो वहाँ करवाया जाता था उनको वो कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता था। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे। तो जब दूसरे बच्चे टीचर को सुन रहे होते थे तो टैगोर का जो माइंड था, उनका दिमाग था, वो कहीं और घूम रहा होता था। कुछ ही वॉन्टेड टू चेंज समथिंग। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकटा शेप टैगोर्स आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन। जब कैलकटा में वो पढ़ते थे स्कूल में, तब उनके विचारों को एक दिशा मिली। ऑन ग्रोइंग अप ही वॉन्टेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी। तो जब वो बड़े होने पर उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ बच्चे खुश रहें, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव। बच्चे बिल्कुल फ्री माहौल में पढ़ें और क्रिएटिविटी उनमें पैदा हो। वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थाट्स एंड डिज़ायर्स। तो जहाँ बच्चे जो हैं वो अपना नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें और उनके नए विचार जो हैं और उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो सकें। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शांति निकेतन। ऐसे नेचुरल सराउंडिंग्स में, नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। टैगोर सोचते थे कि जो बचपन है वो सेल्फ लर्निंग का समय होता है। आउटसाइड द रीत एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। ना कि ऐसा माहौल, ऐसा अनुशासन जो स्कूल सिस्टम अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया है वो नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव। टीचर्स इमेजिनेटिव होना चाहिए, कल्पना करने वाले होने चाहिए, नए विचार उनमें आने चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, और वो बच्चों को समझने वाले हों। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और वो बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, जो कुछ नया सीखने की ख्वाहिश होती है, उसको वो विकसित कर सकें। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल स्किल्ड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव। तो उनको लगता था कि जो स्कूल वर्तमान में चल रहे हैं वो बच्चों की ख्वाहिशों को दबाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को सामने नहीं आने देते हैं। कि जो कुछ मतलब बच्चे में, बहुत कुछ बच्चे कर सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और लेकिन वो नहीं किया जाता बच्चों के द्वारा ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो क्रिएटिव लर्निंग टैगोर को लगता था कि सिर्फ जो कुदरती माहौल है, कुदरती वातावरण है, उसमें ही पॉसिबल हो सकती है। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकटा। तो इसीलिए उन्होंने अपना स्कूल जो था वो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया। इन अ रूरल सेटिंग, जहाँ पे कंट्री साइड एरिया था, रूरल सेटिंग थी, विलेज एरिया था। ही सॉ इट एज एन अबोड ऑफ पीस।
तो ये उनको एक शांति का घर जैसे लगता था कि जहाँ बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो इसी को शांति निकेतन का नाम दिया गया। वे आर लिविंग इन हारमोनी विद नेचर, चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। जहाँ उनको लगता था कि हारमोनी में रहते हुए, मतलब कि पीसफुल एग्जिस्टिंग जहाँ हो, बहुत ही शांतमय वातावरण हो, तो वहाँ रहते हुए बच्चे जो हैं वो नेचुरल क्रिएटिविटी जो है उसको कल्टिवेट कर सकते हैं, कि वो बहुत सारी नई चीज़ें जो उनके मन में आती हैं वो करते हैं, उसको कर सकते हैं। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। तो एक तरह से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का, दोनों का एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में सोचना एक ही था। देर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, और कुछ आपस में भेदभाव भी थे एजुकेशन प्रणाली को लेके। गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। गांधी जी जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ थे, और जो मशीनरी की पूजा की जाती है, टेक्नोलॉजी की पूजा की जाती है, उसके खिलाफ थे। टैगोर वांटेड टू द कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मॉडर्न एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन दोनों का मिक्सचर चाहते थे। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में कुछ मतभेद भी था। उनके विचार मतलब बिल्कुल एक जैसे भी नहीं थे, कुछ हद तक थे लेकिन सारे विचार नहीं मिलते थे। ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। तो रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि शांति निकेतन में, उनके स्कूल में, साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक जो है वो भी पढ़ाई जाए, साथ साथ आर्ट और म्यूजिक और डांस भी सिखाया जाए। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वॉज दस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशनल सिस्टम कुड बी फैशन्ड। तो बहुत सारे विद्वान जो थे, बहुत सारे व्यक्ति जो थे, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से एजुकेशनल सिस्टम जो है वो होना चाहिए। सम वॉन्टेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिश के द्वारा सिस्टम जो सेटअप किया गया था शिक्षा प्रणाली का, उसमें चेंजेस चाहते थे, बदलाव चाहते थे, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। तो उनको लगता था कि वो इस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो तभी पहुँचेगी ना कि अगर उनकी लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि सबको तो इंग्लिश आती नहीं है। अदर्स अस दैट अल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इन टू कल्चर दैट वॉज ट्रूली नेशनल। तो कुछ चाहते थे कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली हो कि जिसमें इस तरह का कल्चर फॉलो किया जाए, कि जो बिल्कुल ही नेशनल हो, देसी तरीका हो, राष्ट्रीय तरीका जो है उसमें हो, राष्ट्रीयता की भावना उसमें भरी हुई हो। हु वॉज टू डिफाइन व्हाट वॉज ट्रूली नेशनल। लेकिन कोई भी डिफाइन नहीं कर रहा था इसको कि ट्रूली नेशनल का मतलब क्या है। द डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो किस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, इसके ऊपर बाद में भी, देश के आज़ाद होने के बाद में भी काफ़ी इस पर बहस होती रही। इवन इन दीज डेज also you know that new education system is going to be implemented। अभी नई शिक्षा प्रणाली फिर से जो है घोषित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पर भी बहस चल रही है कि क्या इसमें चीज़ें अच्छी हैं और क्या अच्छी नहीं है, और किस तरह की ये प्रणाली होनी चाहिए।